ते आता जी आणली होती ना त्याच्यावर हे नाही लागलं होतं ते बघत काय लिहिला हे वायर बोला गेली होती एप्रिल
प्रियंका ग्रुप में मैसेज किया क्या? यस मैम। और कल क्यों नहीं थे प्रेजेंट? मैं थोड़ा बाहर थी तो कर नहीं पाई कल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था मैंने, तो उसका आपने मीनिंग ढूंढा? मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था आपको परसों, और उसका मीनिंग ढूंढने के लिए कहा था। मीनिंग्स ढूंढे क्या वो वर्ड्स के? आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ मैम। तो जवाब दो, ढूंढे या नहीं ढूंढे? नहीं। प्रियंका ने ढूंढे क्या? प्रियंका यस मैम, ढूंढे मीनिंग या नहीं ढूंढे? मैम नहीं ढूंढी, सॉरी मैम। गूगल चल रहा है अभी, है ना? यस मैम। अभी ढूंढो ढूंढो अभी सब। मैंने ढूंढी। हाँ अच्छा है, सीमा ढूंढा आपने, मैं पूछूंगी तो अभी बताना। वो इसलिए ढूंढने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बेसिक मीनिंग से, अगर आपको चीजों का नहीं नाम पता, मतलब नहीं पता, तो आगे आपका पूरा साल खत्म होने को आ रहा है ना, तो आप कैसे आप वो कर पाओगे? गुड्स का मतलब नहीं समझते है तो आपने फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग ये सब्जेक्ट पास कर चुके हो, तो फिर गुड्स का मीनिंग कैसे पता नहीं? जब वो सब्जेक्ट क्लियर हो गया है आपका, किसी का रुका ही नहीं, कोई फेल नहीं हुआ, तो गुड्स बेसिक है, गुड्स का मतलब आपको समझना चाहिए। चलो बताओ मुझे भी गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स मतलब क्या? गूगल ऑन किया है आपने, ढूंढ सकते हो, सर्च करके बता दो। गुड्स का मतलब माल होगा क्या मैम? मैंने ढूंढी नहीं पर मैं बता रही हूँ इसे। हाँ हाँ सही है। ठीक है, कोई भी कमोडिटी होती है, कोई भी सर्विसेज होते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट होता है, सामान, बिकाऊ माल। गुड्स का मीनिंग बिकने वाला माल या बिकाऊ माल उसे बोलते हैं। सही है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज है, हम जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली अगर फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स क्या है? कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, कोई भी कमोडिटी गुड्स। ठीक है, मतलब आप एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन कर रहे हो, ये सर्विस हो गई। ठीक है, तो ये भी गुड्स में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्विसेस है ना आपका, जो कुछ भी आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, कुछ कंज्यूम कर रहे हो, हम कुछ ले रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो कंज्यूम करने वाली हर चीज हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, देन गुड्स क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, जो भी चीजें खरीदते हो बेचते हो प्रोडक्ट है गुड्स। ठीक है, यस मैम। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गुड्स वर्ड में? ठीक है, नो मैम। नो मैम। उसके बाद सीविंग, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। सीविंग मतलब क्या? सिलाई। सीविंग मतलब सिलाई। Yes, सीविंग मतलब मशीन से स्टिचिंग जो आती है कपड़े पे, मशीन से जो सिलाई होती है उसको ही हम सीविंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हम जनरल लैंग्वेज में भी सीविंग ही बोलते हैं। आप सिलाई मशीन को क्या बोलते हो? जब आप शॉप पे खरीदने जाते हो तो उसको सीविंग मशीन ही बोलते हैं। सिलाई मशीन ये आप हिंदी में बोलते हो, लेकिन अगर मशीन के ऊपर नाम कभी देखा है आपने, उषा सीविंग मशीन लिखा होता है, उषा सिलाई मशीन नहीं लिखा होता। ठीक है, सीविंग मशीन लिखा होता है, सीविंग मशीन ही लिखा रहता है।
तो फिर सेविंग का मीनिंग कैसे नहीं पता आपको? अब तक पता नहीं था मैम। शिवन मतलब शिवन कामाची यंत्र, ये मराठी में हो गया। वो उसमें लिखा हुआ है शिवन कामाची यंत्र मंजे सीविंग मतलब क्या होता है? शिवन, ठीक है, मतलब सिलाई, स्टिच करने के लिए जो भी हम बोलते हैं उसको सीविंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे मशीन है उसको सीविंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब क्या मैम? वो कपड़ों को छोटा या बड़ा किया जाता है उसको ग्रेडिंग बोला जाता है। किसको? कपड़ों को छोटा बड़ा करने के लिए ग्रेडिंग बोलते हैं। कपड़ों एक ही साइज में वेगड़े साइज के पैटर्न कपड़े। क्या बोला प्रीति आपने, फिर से बोलिए। खरीदारों के आकार के अनुसार। प्रीति आंसर करो। वेगड़े वेगड़े साइज के काय प्रीति? प्रीति आवाज येते का? सीमा आप कुछ बोल रहे थे? सीमा बोलो, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, आप तीन तीन लोग एक साथ बोलते हो। मैम अलग अलग आकार जो खरीदार। प्रियंका ग्रेडिंग मतलब सर्च किया आपने? हाँ मैम, बट ये ग्रेड्स का है, ग्रेडिंग का मीनिंग नहीं आ रहा। मैंने एक्सप्लेन भी किया था ग्रेडिंग क्या है। कपड़े को छोटा बड़ा नहीं करते हैं, पैटर्न छोटा बड़ा करते हैं हम, ठीक है। जो पैटर्न होता है ना, आपने पैटर्न्स बनाए हुए हैं? यस बनाए हैं कभी पैटर्न्स? क्या होता है पैटर्न? पैटर्न मेकिंग क्या होता है बताओ जरा। आपने पैटर्न मेकिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, तो पैटर्न मेकिंग मतलब क्या? क्या होता है पैटर्न मेकिंग? सब्जेक्ट पढ़ा है आपने पैटर्न मेकिंग, नाम सुना है? यस मैम। क्या किया है ये सब्जेक्ट में आपने, प्रैक्टिकल किया है? ब्राउन पेपर के पैटर्न्स, मतलब छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए। क्यों बनाए ये पैटर्न्स? क्या फायदा है हमको पैटर्न बनाने से? मैम कौन सा पैटर्न किस तरह से बनता है वो पता चलता है, मतलब कागज काटने से हमको पता चलता है कि कहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है। ये कटने के बाद हमारा डिजाइन किस तरह से एग्जैक्टली हमको आइडिया आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा बचा सकते हैं, है ना। पैटर्न काटने के बाद हम लोग का बहुत सारा कपड़ा बचाया जा सकता है, क्योंकि पैटर्न अगर हमारे पास रेडी है तो हम कपड़े पे लेआउट पे हम उस पैटर्न को रखते हैं। लेआउट मतलब समझता है ना? यस मैम। कपड़े का जो लेआउट हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम पैटर्न्स रखते हैं। मतलब क्या, जितना कपड़ा बचाया जा सकता है उतना कपड़ा हम बचाते हैं। किसके द्वारा? पैटर्न मेकिंग के द्वारा। क्योंकि अगर पैटर्न नहीं बनाते हम तो हमारी डिजाइन हमको प्रॉपरली नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ग्रेडिंग में, उसी पैटर्न को रखते हैं और ग्रेड करते हैं। मतलब सेम पैटर्न जो बेसिक अपना पैटर्न होता है, मान लो मैंने एक टी शर्ट का पैटर्न कट किया है, ठीक है, टी शर्ट का फ्रंट एंड बैक मैंने कट किया और उसको मैंने रखा है ग्राफ पेपर पे, और वो साइज मैंने स्मॉल साइज में कट किया है, ठीक है, जिसका चेस्ट मान लो स्मॉल साइज नहीं, मैंने 32 चेस्ट का मतलब 32 साइज का मैंने वो टी शर्ट बनाया है पैटर्न, ठीक है। अब वही पैटर्न मुझे 34 के साइज में चाहिए, 38 के साइज में चाहिए, और 30 के भी साइज में चाहिए, और 28 के साइज में भी चाहिए।
तो मैं क्या करूंगी, बार बार उसकी मेजरमेंट लगाते बैठूंगी क्या? नहीं, मैं क्या करूंगी, उस पैटर्न को ग्रेडिंग करूंगी। ग्रेडिंग पैटर्न से हम लोग उसको ग्रेड करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, पैटर्न रखेंगे और उसको 32, 38, ठीक है, 48, 40, ये जो भी साइजेस है, हमको जो भी चाहिए साइजेस, उसमें हम उसको बढ़ाते जाएंगे या तो फिर उस पैटर्न को घटाते जाएंगे, ठीक है? हमने ग्रेडिंग कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो आप ठीक है, नहीं याद है तो वापस उसको स्टडी करो। आपको ग्रेडिंग नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे देखो, ठीक है? आपको नहीं पढ़ना है लास्ट ईयर के बुक्स, आपको जान पे आ रहा है बुक्स पढ़ना, तो गूगल है अपने पास, आप ग्रेडिंग का मतलब ढूंढो, ग्रेडिंग के वीडियोस देखो, इंडस्ट्री में किस तरह से ग्रेडिंग करते हैं, क्या मशीन होती है, उसका नॉलेज आप ले लो। इंडस्ट्री नॉलेज लोगे तो किसका फायदा है, आपका है या मेरा फायदा है? मैं यहाँ से बैठे बैठे आपको इंडस्ट्री में लेके जाऊंगी क्या? नहीं लेके जा सकती। लेकिन आप घर बैठे अपने मोबाइल में कुछ भी वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हो यूट्यूब पे, है ना? तो आप ग्रेडिंग के वीडियोस देखो किस तरह से बनते हैं। इवन पैटर्न मेकिंग भी पता है इंडस्ट्री में मशीन्स के द्वारा करते हैं, पैटर्न को कट करने के लिए जो मशीन्स होती है वह इलेक्ट्रॉनिक होती है। इवन अपनी सीजर कैची जो होती है, नाइफ यूज करते हैं वो लोग वहां पर, हम लोग कैची से कपड़ा काटते हैं, वो लोग नाइफ से कपड़ा काटते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा थप्पी होता है, कपड़ों की पूरी एक बंच होती है, थप्पी होती है, उसको कट करने के लिए क्या करते हैं, नाइफ का यूज करते हैं, राउंड नाइफ, इस तरह के नाम रहते हैं मशीन्स के। आप उसके वीडियोस देखोगे तो आप सब कुछ नोट डाउन करके रखना, जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हो, लेकिन आप पहले कोशिश तो करो अपने नोट करने की, ठीक है? ग्रेडिंग का मतलब अब समझ में आ गया। उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या था, टेस्टिंग मतलब क्या? टेस्टिंग में क्वालिटी टेस्ट करते उसकी, उसकी किसकी, फैब्रिक की, फैब्रिक का, ठीक है, क्वालिटी टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझे गारमेंट का करना है तो मैं कैसे करूंगी? गारमेंट को टेस्ट मतलब उसकी कोई धागा निकला है कि नहीं, बराबर फिटिंग आई है कि नहीं, लेबर लगा हुआ है कि नहीं, उसका टेस्ट करते हैं। उसपे स्टिचेस प्रॉपरली आए हैं या नहीं, स्टिचेस बहुत बार क्या होता है, हम कपड़ा स्टिच करते हैं, कहीं पे स्टिच आती है कहीं पे नहीं आती है, ठीक है? तो ऐसा मटेरियल हम किसी को बेच नहीं सकते, ऐसा प्रोडक्ट आप किसी को दे नहीं सकते हो, ठीक है? Yes, आप फटे हुए कोई प्रोडक्ट दोगे किसी को या अनफिनिश्ड किया हुआ दोगे? नहीं, आप पूरा प्रॉपरली उसको फिनिशिंग किया हुआ प्रोडक्ट ही किसी को आप देते हो। तो ये सब चेक करना मतलब टेस्टिंग, ये गारमेंट टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक का, फैब्रिक मतलब इंडस्ट्री में जहाँ पे फैब्रिक बनता है वहां पे, ठीक है? देन उसके बाद आता है फिटिंग। फिटिंग का मतलब क्या, फिटिंग यानी फिटिंग यानी बॉडी पे बराबर फिट बैठ रहा है नहीं, मतलब उसका साइज बराबर है या नहीं। फिटिंग यानी साइज फिटिंग, ठीक है, साइज फिट है या नहीं, फिटिंग प्रॉपरली आ रही है या नहीं। अगर कहीं से फिटिंग नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं अगर फिटिंग प्रॉपरली नहीं आती है गारमेंट पे, तो हम क्या करते हैं? फिर उसको फिटिंग करवाते हैं। मैम फिटिंग करवाते हैं, ठीक है, आपने साइड से फिटिंग कर दिया, लेकिन फिर भी अगर मेरे को शोल्डर में प्रॉपर फिट नहीं आ रहा है, या आर्म होल आपको पता है क्या होता है, आर्म होल भी फिटिंग नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, फिटिंग किस तरह से दोगे आप? डार्ट्स देके। मैंने आपको पूछा था कि डार्ट का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के डार्ट्स होते हैं, लेकिन आपने वो सब कुछ काम नहीं किया, ठीक है? आपको अपना बेस प्रॉपर नहीं बनाना है, इसलिए आप होमवर्क नहीं करते हो, मैं आपके पीछे नहीं पढ़ने वाली, ठीक है?
आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो करो, मेरा काम है आपको बताना, करनी है तो करो, अदरवाइज मैं आपके पीछे नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है? आपकी मर्जी, आपको पढ़ाई करना है करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है? पर मैं आपको रोज आके यहाँ पे मेरा एक घंटा वेस्ट नहीं कर सकती। तो फिटिंग के लिए हम डार्ट का यूज करते हैं, स्टिचेस का यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो वर्ड था वो था फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब क्या? फिनिशिंग मैम पूरा काम पूरा करना। पूरा क्या? फिनिशिंग यानी उसमें धागे फैब्रिक में धागे नहीं रहने चाहिए, पूरा प्रॉपर। सिलाई अच्छे से आनी चाहिए, एक लाइन में ऐसे फिनिशिंग कहा जाता है। फिनिशिंग मतलब पूरा काम अच्छे से खत्म किया हुआ, ठीक है? मतलब आप अगर गारमेंट फिनिशिंग की बात कर रहे हो तो सही है कि धागे नहीं निकलना चाहिए, स्टिचेस प्रॉपर है या नहीं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है? कि गले पे जो हमने पाइपिंग लगाई है वो प्रॉपरली आई या नहीं, आयरन अच्छे से किया है या नहीं, पैकिंग ठीक से हुई नहीं हुई, है ना? सब कुछ हमको लेबल प्रॉपर चेक करने हैं, लेबल कितने टाइप के होते हैं आप लोग को पढ़ा चुके हैं, पहले आपके सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं लेबल के टाइप, तो आप देखो आप लेबल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद लेबल्स आपके ड्रेस पे प्रॉपरली है या नहीं, जो गारमेंट है उस पे, ठीक है? ये सब चीजों का पूरी तरह से अश्योर करने के बाद ही हम लोग इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। मैम डार्ट्स डार्ट्स क्या? कुछ नहीं मैम। मैम बताओ क्या? बोलो ना। प्लेन डार्ट्स, बस डार्ट्स, डार्ट्स बता रहे हो ना? यस मैम। हाँ तो पूरा नाम लेके बताओ, टाइप्स ऑफ डार्ट बता रही हूँ मैम। सॉरी मैम। नेक डार्ट, डार्ट टक्स, एल्बो डार्ट, फिश कर डार्ट, ये ऐसे डार्ट्स आते हैं मैम। सर्च करके लिखा है? यस मैम। तो प्रॉपर प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे हो? फिश बोन नहीं बोला, शोल्डर डार्ट नहीं बोला, नेक डार्ट बोला है, वेस्ट डार्ट नहीं बोला, इतने ही सर्च किए थे क्या? और भी डार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से सर्च करना। मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या? मर्चेंडाइज मतलब बिक्री करना, बिक्री करने, ठीक है? प्रॉपर है खरीदना और बेचना, उसका व्यवहार करना, व्यापार करना, मर्चेंडाइज, ठीक है? गारमेंट प्रोडक्शन में हमने ये देखा, जो फॉरकास्टर्स होते हैं उनको इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वो ये सब कुछ हैंडल करते हैं, ठीक है? उसके बाद ही प्रॉपरली डिजाइनर का जो डिजाइन है उसको कहीं लॉन्च किया जाता है। तो गारमेंट प्रोडक्शन के लिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग इज ट्रेडिशनली कॉल्ड अपैरल प्रोडक्शन। एक्टिविटीज इंक्लूड डिजाइन, टेक्निकल डिजाइन, डेवलपिंग द स्पेसिफिकेशन एंड कॉस्टिंग द प्रोडक्ट। एक्टिविटीज में इंक्लूड सैम्पलिंग, टेस्टिंग, ग्रेडिंग, फिटिंग, मार्कर मेकिंग, वीविंग, कटिंग, सीविंग एंड फिनिशिंग। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विच कैन बी अ टाइमली प्रोसेस अनलेस हैंडली एफिशिएंटली, ठीक है? अभी यहाँ पे गारमेंट प्रोडक्शन में ये सारी चीजें इन लोग को देखनी होती है, जो फैशन फोरकास्टर्स होते हैं वो भी इसको देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं मार्कर मेकिंग, मैंने आपको सैम्पलिंग वगैरह, टेस्टिंग, ग्रेडिंग, फिटिंग इन सब का मीनिंग पूछा,
मार्कर मेकिंग मतलब क्या? वो कब फैब्रिक जब कटिंग करते रहते तो वो मार्कर मशीन से वो पैटर्न मेकिंग उसके से पैटर्न मेकिंग कर चुके। वीविंग बुनाई बुनाई कटिंग कटिंग कपड़ा कट करना ठीक है कपड़ा कट करना। देन फाइनेंस फैशन इंडस्ट्री कंपोनेंट्स इसमें फाइनेंस भी आता है। The area is responsible for all of the accounting activities of the firm, which includes expenditures of material and products, salaries as well as overall business budget. Finance आपको पता है पैसे से related है, ठीक है? पैसे से related मतलब जितने भी expenditures होते हैं का फैशन इंडस्ट्री में, ठीक है? जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक्सपेंडिचर्स रहते हैं मटेरियल प्रोडक्ट सैलरी जो भी पैसों का लेन देन है वो सब कुछ, ठीक है? ये आता है इसमें। देन नेक्स्ट है फैशन इंडस्ट्री कंपोनेंट्स में और एक आता है ऑपरेशन। टिपिकली द एरिया ओवरसी द अपकीप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड बाय एम्प्लॉई सच एज कंप्यूटर्स एंड बिल्डिंग स्पेस and distribution activities required or securing materials and shipping the finished product also called logistics. This includes any transportation from material to the factory to deliver of goods to your company as well as your customer. यहाँ पे कुछ ऐसे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसी एरियाज रहती है जिसको देखना होता है, जैसे कुछ इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग स्पेस हो गया, ठीक है, ऐसी जगहों पे देखना इनके बारे में, ठीक है? तो ये भी फैशन इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स में आते हैं। देन द स्ट्रक्चर ऑफ फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी किस तरह से फैशन इंडस्ट्री काम करती है, ठीक है? तो इसके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं फैशन इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये डिपार्टमेंट है इस तरह से, पहला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या आता होगा, मतलब क्या गेस करके बताओ या प्रॉपरली आंसर करके बताओ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता होगा, किससे रिलेटेड है मार्केटिंग डिपार्टमेंट? मैम मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में। मार्केटिंग मतलब मार्केट बिजनेस, ठीक है? मार्केट बिजनेस। देन इसके बाद स्पिनिंग डिपार्टमेंट, स्पिनिंग क्या है, पढ़ चुके हो? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पढ़ चुके हो? यस मैम। क्या है स्पिनिंग? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप उसको देख लेना एक बार, टेक्सटाइल में पूरा फ्लो चार्ट देख लेना, ठीक है? फिर बताना मुझे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद आता है स्पिनिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद आता है यार्न डाइंग डिपार्टमेंट। यार्न डाइंग मतलब आपको समझता होगा, यार्न मतलब धागा, डाइंग मतलब रंगना, ठीक है? देन उसके बाद नीटिंग डिपार्टमेंट, नीटिंग ये सब्जेक्ट है आपको, नीटिंग मतलब बुनना, वीविंग मतलब बुनाई करना, दोनों का एक ही मीनिंग है। चलो डिफरेंस बता देना मुझे नीटिंग एंड वीविंग का, ये भी आप नोट डाउन करके रख लो, आप कल बताना मुझे इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है? आपको दोनों सब्जेक्ट हो चुके हैं, नीटिंग शायद से नीटिंग मतलब तो बुनाई होता है ना, हाँ वीविंग मतलब भी बुनाई होगा ना, फिर बुनना। यस मैम। हाँ तो क्या डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ ना, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। हम ये धागों से, दोनों धागों से ही बनते हैं और क्या, मशीन से बनता होगा शायद और एक हाथ, ऐसे थोड़ी होता है मशीन से एक और एक हाथ से बनता है। नीटिंग तो दोनों हाथ से भी बनता है और मशीन से भी बनता है। और वीविंग,
वीविंग वीविंग किससे बनता है? वीविंग मशीन से। अच्छा हाथ से नहीं करते वीविंग? हाथ से भी तो कर, दोनों भी तो करते हैं। वीविंग सिर्फ हाथ से की जाती है। अच्छा मशीन से नहीं करते? कितना कंफ्यूजन हो रहा है। पढ़ाई नहीं करते हो ना तो कंफ्यूज तो हो गए। ऐसे ही पास हो गए हम लोग, अभी तक फाइनल ईयर में पहुंच गए ऐसे ही। कोई बात नहीं, निटिंग एंड वीविंग के ऊपर आप लोग आज पॉइंट्स निकालो, गूगल सर्च करो डिफरेंस क्या है निटिंग एंड वीविंग में और मुझे बताना, ठीक है? मैं इसको नहीं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग की क्षमता कितनी है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है? डाइंग डिपार्टमेंट हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भी देखा है, एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट आपको समझता है, फैब्रिक फिनिशिंग क्या होता होगा, फैब्रिक मतलब कपड़ा मैम, फिनिशिंग फिनिशिंग मतलब वही ड्रेस की पूरी ड्रेस को पूरा फिनिश करना। पर यहाँ पे हम फैब्रिक की बात कर रहे हैं, गारमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। फैब्रिक फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कपड़े की जो फिनिशिंग है उसके ऊपर आएगा, ठीक है? सेल्वेज प्रॉपरली है या नहीं, कभी कभी फैब्रिक फिनिशिंग के टाइम पे उसके सेल्वेजेस देखे जाते हैं क्योंकि वो कट जाते हैं, धागे बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है? ये सब आते ही, सब टेक्सटाइल में आप पढ़ चुके हो, आपको बार बार मैं नहीं वो कर सकती हूँ हैमर, ठीक है? तो आप खुद स्टडी करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फैब्रिक फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? देन उसके बाद टेस्टिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग आपको भी बताया था मैंने। वॉशिंग डिपार्टमेंट, वॉशिंग में क्या आता होगा दिमाग लगाओ थोड़ा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसको? वॉशिंग डिपार्टमेंट में फैब्रिक को वॉश करते हैं मैम। फैब्रिक, ठीक है? अभी फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक, गारमेंट आएगा तो गारमेंट, डेनिम आएगा तो डेनिम, जीन्स और डेनिम का डिफरेंस भी बहुत है, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है? देन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है? फिर आता है क्यूसी, क्यूसी डिपार्टमेंट में क्या आएगा? क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक करना, चेक करना, क्वालिटी चेक करना, ठीक है? क्वालिटी चेक या क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? देन फैब्रिक पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग, ठीक है, कपड़े का। देन फैब्रिक स्टोर डिपार्टमेंट, फैब्रिक डिस्पैच डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम पूरा ऑल ओवर क्या फैब्रिक के बारे में, मतलब सिर्फ कपड़े के बारे में देखा है हमने इस डिपार्टमेंट, इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हम देखते हैं गारमेंट, ठीक है? यहाँ आता है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले आप क्यों डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, क्या होता होगा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में? डिजाइन के जो कपड़े होते हैं उनको ठीक से नहीं समझा मुझे क्या बोल रहे हो। ये जो था ये पूरा फैब्रिक था, ठीक है? कपड़ा बनने का जो भी टेक्सटाइल इसमें था, टेक्सटाइल में ये आता है, ठीक है? मतलब पूरा हमने कपड़े के बारे में पढ़ा। कपड़े के बाद हमारा बनता है गारमेंट, ठीक है? तो गारमेंट में सबसे पहले, गारमेंट में अपना गारमेंट बनाने के पहले सबसे पहले अपना काम क्या होता है? डिजाइन करना। डिजाइन डिपार्टमेंट में डिजाइन करने का काम होता है। तो डिजाइन डिपार्टमेंट में क्या आता है आपका? डिजाइनिंग, ठीक है? अब फिर उसके बाद ये डिजाइनिंग कहाँ पे जाती है? ग्राफिक डिजाइन डिपार्टमेंट, ठीक है? देन उसके बाद आता है गारमेंट टेक्नोलॉजी डिजाइन डिपार्टमेंट, देन पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट। अभी आप लोग ने इंडस्ट्री के बारे में, मुझे नहीं पता ज्यादा पढ़ा है या नहीं,
बट डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी जब कोई गारमेंट बनाते हो तो उसके लिए पहले आप स्केच करते हो, डिजाइन बनाते हो, स्केच करते हो, ठीक है। स्केच करने के बाद ये जो आपका स्केचिंग है वो सिर्फ पेंसिल या उससे किया हुआ रहता है? नहीं, हम लोग इसको कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, जैसे ग्राफिक, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मान लो आपने क्वेरी का पैटर्न दिया, क्वेरी समझ में आती है, फ्लोरल प्रिंट या कुछ जो भी है, ठीक है, आपको कपड़े के ऊपर कुछ चाहिए ऐसा, तो आप क्या करोगे, ग्राफिक्स पे उसको, मतलब ग्राफिक के द्वारा आप उसको डिजाइन करोगे, ठीक है। चाहे तो वो मटेरियल हो, डिजाइन हो, एम्ब्रॉयडरी करनी हो कपड़े के ऊपर, जो भी है, ठीक है, वो जाएगा। देन गारमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन उसके बाद गारमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स उसी से रिलेटेड है। देन उसके बाद है पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट, आपको पैटर्न मेकिंग पता है क्या होता है। देन सैम्पलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद जाता है कैड कैम डिपार्टमेंट, अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक डिपार्टमेंट, उसके बाद ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज डिपार्टमेंट। ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज में क्या होता है, बटन्स, हुक्स, वो जो आप बीड्स यूज करते हो, वो मतलब जो कुछ भी आपको अगर अपने ड्रेस में एक्स्ट्रा में लगाना है, सीक्वेंसेस हो गया, जो भी है, वो ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। देन स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर आपको समझता है क्या है। देन कटिंग एंड स्प्रेडिंग डिपार्टमेंट, फिर जाएगा स्टिचिंग डिपार्टमेंट, देन मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, फिर वापस क्यूसी। अब क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक फैब्रिक में भी था तो गारमेंट में भी होगा ही, ठीक है। फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, देन पैकेजिंग, जो पैकिंग डिपार्टमेंट है वो, फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट, मतलब डिस्पैच मतलब आप ट्रांसपोर्ट, मतलब बाहर इसको सेल आउट करने के लिए रेडी है, ठीक है, गारमेंट को। देन डिस्पैच होने के बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में आएगा। प्रॉपर एड्रेस है नहीं कि क्या है, जो भी आप कुछ भी अगर आप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हो तो उसमें डिस्पैच ये वर्ड आता है, ठीक है। उसके साथ ही आप जब आपके घर पे कुछ आता है कोरियर, तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा बिल जैसा कुछ मिलता है, वो जो कुछ भी है उसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट उसमें आता है, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन लीगल डिपार्टमेंट, कंप्लेंट डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, देन कॉस्ट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये जो है ये आपको इसी सेमेस्टर में आपको एक दूसरा एक सब्जेक्ट है उसमें आपको ये सब आएगा, ठीक है, आप ये सब उसमें पढ़ोगे। शायद जानवी मैम लेंगे वो सब्जेक्ट आपका, तो उस वाले सब्जेक्ट में आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो आपने टेक्सटाइल पढ़ चुके हो, देन पैटर्न मेकिंग मतलब कपड़ा गारमेंट प्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में पढ़ चुके हो, और अभी हम लोग फैशन फॉरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये इनसे आगे की चीज, ठीक है। देन उसके बाद फैशन फॉरकास्टर्स का काम होता है, और एक है डिजाइन कैलेंडर, कैलेंडर डिजाइन कर, कैलेंडर मतलब हर साल कुछ नए डिजाइन आते हैं, ठीक है, आप लोग देखते ही हो, फैशन शोज होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइम स्केल फॉर प्रोडक्ट इन स्टोर फॉर अबाउट 2018 के बारे में यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम होता है सेट किया हुआ, ठीक है, स्टोर्स के लिए। तो ट्रेडिंग ट्रेंड फॉरकास्टिंग कब करना है उसका एक यहाँ पे एक शेड्यूल बना के हम लोग चलते हैं। टेक्सटाइल फेयर्स मतलब जितने भी यहाँ फेयर्स मतलब आप एग्जीबिशंस वगैरह देखते हो, मेले, ठीक है, वहाँ वो हमको कब लगवाना है। देन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कब होना चाहिए, प्रोडक्शन कंप्लीट कब होना चाहिए, फिर डिलीवरी कब देना है, इन सब का एक कैलेंडर होता है। और एक होता है फैशन ईयर कैलेंडर, ठीक है, ये तो इनका वर्किंग जो है डिजाइन कैलेंडर वो उन्होंने किया हुआ है। देन यहाँ पे है एक फैशन ईयर का जो कैलेंडर है, आपको पता है दो टाइप के फैशन शोज होते हैं, ठीक है, मतलब फैशन शोज में हम दो दो सीजन्स को एक साथ मर्ज करते हैं, टू मेन सीजन के रूप में, एक तो स्प्रिंग एंड समर और ऑटम एंड विंटर। ऑटम मतलब जिसमें आपका थोड़ा बारिश, जो फॉल एंड विंटर जो हमने पढ़ा था वही, ठीक है, बारिश और ठंडी, और स्प्रिंग एंड समर आपको पता है शीत ऋतु जिसमें पतझड़ जो होते हैं वो, और समर, ठीक है।
देन फैशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फैशन डिजाइनर, कलर सर्विसेज, फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हू मीट ट्वाइस अ ईयर टू पुल देयर नॉलेज ऑफ कलर साइकिल एंड प्रिफरेंस एंड टू प्रोजेक्ट कलर ट्रेंड फॉर द पिक्चर. Yarn colors or swatches are sent to designers or and merchandisers to plan their color stories and purchase fabric. यहाँ पे meetings होती है, ठीक है. हर साल में दो बार meeting होती है जिसमें colors discuss होते हैं, swatches आते हैं yarn के, threads के, या फिर patterns आते हैं इसके, fabric के swatches आएंगे, colors आएंगे. तो ये designers के पास आते हैं, एक तो मर्चेंडाइजर्स लेकर आते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजाइन है उसकी स्टोरी में और उनको पता होना चाहिए कि क्या कलर्स आ रहे हैं, क्या नहीं, क्या ट्रेंड में है, ये सब मर्चेंडाइजर्स के द्वारा वो बेचते हैं, ठीक है. देन उसके बाद फैशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क में और है एग्जाम्पल ऑफ कलर सर्विसेस. उसमें कलर सर्विसेस में एग्जाम्पल दिए है स्टैंडर्ड कलर फॉर टेक्सटाइल डिक्शनरीज, ठीक है. टेक्सटाइल डिक्शनरी के लिए स्टैंडर्ड कलर्ड होते हैं वो. देन इंटरनेशनल कलर अथॉरिटीज, द कलर बॉक्स, द कलर मार्केटिंग ग्रुप, कंसेप्ट इन कलर, ह्यू पॉइंट, कलर पोर्टफोलियो, ठीक है. अभी इसका आप लोग को मैं एक बोल रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और ये गूगल पे सर्च करना. ह्यू पॉइंट क्या है, कंसेप्ट इन कलर क्या है, द कलर बॉक्स क्या है, आप खुद सर्च करो उसका मीनिंग, ठीक है. आपको उससे रिलेटेड गूगल पे क्या मिलता है मुझे कल बताओ, ठीक है. ये आपका रिवीजन है क्योंकि मैं इसको इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ, ठीक है. ओके मैम. स्क्रीनशॉट ले लो और कल एब्सेंट मत रहना. फिर मेरे को बोलने के लिए मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था, मुझे नहीं पता, ठीक है. मैं आपको वैसे भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, प्राइमरी कलर्स हो गए हैं अपने, उसमें से कब में सेकेंडरी में से मैंने ऑरेंज दिया था, उसके बाद मैंने आपको ऑरेंज के बाद कलर नहीं दिए, लेकिन सेकेंडरी में जो भी कलर आते हैं वो एक एक कलर आप पिक करते जाओ, ठीक है. आपको सारे कलर्स में से जो भी नए नए कलर्स मिल रहे हैं वो सब कुछ नोट डाउन करो और आपके पास बने हुए होने चाहिए. मैंने आपको बहुत बार बोला है, अभी वापस नहीं बोलूंगी, मुझे वो प्रैक्टिकल चाहिए आपकी बुक में, ठीक है. देन फैशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क में और आता है फैशन मर्चेंडाइजर्स, रिटेल स्टोर ओनर या मैनेजर्स. तो ऑब्वियसली इनको फैशन फोरकास्टर्स को कौन इंफॉर्मेशन देगा, फैशन मर्चेंडाइजर्स देंगे या रिटेल स्टोर्स देंगे, ठीक है. देन सेलिंग स्ट्रेटेजी, बेचने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो कैसी होती है, जो भी इंडस्ट्रीज होती है फैशन से रिलेटेड, ठीक है. फैशन इंडस्ट्री जो भी होती है वो कुछ भी प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस करती है, लॉन्च करती है, तो उसको बेचने की एक स्ट्रेटेजी होती है, किस टाइम पे कैसे बेचे, किसको बेचे, ठीक है. अब यहाँ पे होलसेल है, सबसे पहले चीज तो आती है होलसेल, नेक्स्ट है रिटेल, ठीक है. होलसेल मतलब आपको पता है क्या होता है, होलसेल मतलब क्या होता है, आप लोग गए हो? हाँ मैम. हाँ, होलसेल में क्या मिलता है, बल्क में आपको सामान मिलता है, आपको वहां पे कुछ भी एक एक सिंगल चीज नहीं मिलती, एक तो 6 पीस लो, एक तो 12 पीसेस, वो भी कम रेट में मिलता है, कम रेट में मिलती है, क्योंकि आप सिंगल पीस अगर 100 रुपीस का आपको मिल रहा है तो होलसेल मार्केट के प्राइस में आपको कितने का पड़ेगा, 60 का, 70 का या 80 का, ठीक है. इन चीजों में आपको फर्क इजिली देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें शर्त उनकी यही है, एक तो 6 पीसेस लो या 12 पीसेस लो. तो ये होता है होलसेल, ठीक है. तो सेलिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आता है होलसेल, नेक्स्ट है रिटेल. रिटेल शॉप मतलब क्या, हम लोग शॉप में स्टोर में जाते हैं, हम लोग एक ही डिजाइन 2000 का खरीद के लाते हैं, ठीक है, ये होता है. लेकिन वही डिजाइन हम लोग होलसेल से खरीदने जाएंगे तो वो चीज हमको 1500 की मिलती है या तो फिर 1200 की, मतलब बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क रहता है रेट में, ठीक है. मटेरियल सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ रेट ही हमको महंगा देता है. देन उसके बाद लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, ऑब्वियसली और वापस से स्टोर्स के ऊपर आ गए, जो अपने शोरूम्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट. अब जैसे आप लोग को पता है रिबॉक का आपने आउटलेट देखा है, ठीक है. कभी अब रेमंड गए हो, रेमंड इंडस्ट्री में कभी रेमंड
कपड़ा जहाँ बनता है गए हो? नहीं मैम। नहीं गए हो तो वहां पे आप देखना है जहाँ, मतलब आप गूगल सर्च करना, आपको इजीली सब वहां पे मिल जाएंगे वीडियो उसके। तो वो जो है कपड़ा जहाँ बनता है उसके एक बाहर साइड में आउटलेट लगा होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो कपड़ा बन रहा है वहीं पे वो लोग उसके सैंपल्स बेचते हैं, या वो कपड़ा वहीं वहां पे बेचते भी है, मतलब जो वो बना रहे हैं वो बड़े बड़े स्टोर्स में वगैरह जा तो रहा है, ठीक है, लेकिन आउटलेट्स में भी वो लोग बेचते हैं, वहां पे आपको सेम, मतलब कम कीमत में ही सेम मटेरियल वहां पे मिलेगा। वो आउटलेट में इसलिए बेचते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा जो कपड़ा होता है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आता है, तो वो कपड़ा वहीं से कट करके हमको वापस से उतना पोर्शन निकाल के वापस हमको उसको कंटिन्यूएशन में डालना होता है। तो जो उसका डैमेज पीस है उस चीज को वो आउटलेट में निकालते हैं, वो पूरा प्रॉपरली हमको दिखाई नहीं देता डैमेज है, बट कटा हुआ जो, जिसको हम कट पीस बोलते हैं, या जो टुकड़ा निकलता है, या जैसे एक बड़ा सा 90 यार्ड का कुछ अगर बन रहा है उसमें से कुछ पोर्शन फेड कलर में आया, तो उस कलर को वो लोग शॉप्स में या स्टोर्स में तो बेच नहीं सकते, तो वो आउटलेट में निकालते हैं, ठीक है। देन ई कॉमर्स चैनल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मतलब वापस इंटरनेट से रिलेटेड, देन ई कॉमर्स ऑनलाइन वापस इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब जो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं उसमें एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है उनकी, ठीक है। देन मल्टी ब्रांड आउटलेट, अलग अलग ब्रांड्स के जो आउटलेट है वहां पे भी आप मतलब अपने डिजाइन को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजीज। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो चुका है पूरा। ठीक है, मैं आपको फिर इससे रिलेटेड आज नोट्स दे देती हूँ और असाइनमेंट देना है मुझे, ठीक है। ये होने के बाद आप लोग को असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और जो मैंने आपको बोले हैं जो प्रोजेक्ट है जो कलर्स का मैंने बोला है उसमें से एटलीस्ट प्राइमरी कलर की शीट मुझे बनाकर चाहिए। प्राइमरी कलर्स में रेड, येलो एंड ब्लू कलर दिया मैंने, ठीक है। वो तीनों कलर के जितने भी शेड्स आपको आपने देखे हैं गूगल पर सर्च किए हुए, उसका मेरे को एक कलर व्हील के इसमें बना के चाहिए। कलर व्हील में मत बनाओ, भले ही आप एक बॉक्स बॉक्स में बनाओ चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकते हो बना के? यस मैम। एक मिनट, अपने पास थोड़ा वक्त है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का मुझे चाहिए। आपने जैसे गूगल पे सर्च किया, ठीक है, वैसे ही रहता है, बस थोड़ा सा उसको आप कलर व्हील में जैसे बनाते हो इसमें बॉक्सेस में बनाने, ठीक है। शेयर हो गया, दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे इसके शेड्स है, लेकिन अपने को ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे ओपन करके एक ऑप्शन आया, दिख रहा है? अभी ओपन हो रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये कलर कैसे बना? ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट।
हाँ तो उसको ऐड किया तो ये कलर बना, तो आपको सेम ये चीजें बनाना है, ठीक है? यस, ऐसा ही आपको बनाना है, मेन कलर, सेकेंडरी कलर, थर्ड कलर, देन उसके बाद ये कलर आता है, ठीक है? समझ में आया? तो इसी तरह से आपको बाकी भी बनाने हैं, सारे के सारे कलर्स बनाने हैं, ठीक है? ऐसे नाम भी दे सकते हो आप, अगर आप नाम देने में इंटरेस्टेड हो तो नाम दो, क्योंकि नाम तो देने ही है आपको, जो प्राइमरी को नहीं दिया, सेकेंडरी को नहीं दिया चलेगा, लेकिन जो नया कलर बन रहा है उसको नाम देना है, ठीक है? यस मैम, करोगे? ये फर्स्ट मॉड्यूल का काम है आपका, तीन कलर का बनाना है आपको, तीन मतलब जो प्राइमरी के तीन कलर है, रेड ब्लू एंड, हाँ, इसमें जितने कलर के शेड्स आते हैं, जितने भी आते हैं, सारे के सारे डालो, सिर्फ खाली रेड के आपको कितने मिले थे, 32 कुछ मिले थे, है ना? यस मैम, फिर देन उसके बाद ब्लू के जितने मिले, येलो के जितने मिले, सबके ऐसे बना के, ठीक है? उसमें 25 मार्क्स है आपको, ठीक है? समझा? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कंफ्यूजन क्लियर हो गया किस तरह से बनाना है हमको, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसके आंसर्स लिखने हैं आपको, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर ही वो क्वेश्चन के आंसर्स है, ठीक है? यस मैम, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम, ठीक है।